Hi guys, welcome back to my channel. My name is Pragati and for today's video I'm going to test some viral hack. और अगर आपको लग रहा है कि ये मेरे असली पैर हैं तो हमारा पहला हैक ये बाबूराव का स्टाइल है। अब धीरे जाके मुझे प्रपोज मत करने। तो इन्होंने एप्पल के अंदर ही आई शैडो छुपा के रख दिया है। उड़ने की कोशिश है, कहाँ उड़ेगा, जापान जाएगा। तो गाइस अब मुझे ये पावरफुल शक्ति मिल गई है हवा में उड़ने की, तो अब मैं जा रही हूँ हवा में सोने, क्योंकि इतनी अच्छी शक्ति सबको थोड़ी मिलती है। मेरा चादर कहाँ गया? तो मुझे तो बहुत अच्छा लगा ये शूज और पाइप वाला हैक। और आपको क्या, आपको भी टैटूज बहुत पसंद है लेकिन आपको एक इंडियन, और अगर आपके इंडियन पेरेंट्स ने टैटू का नाम भी सुन लिया तो आपको उठा के वो घर से बाहर फेंक देंगे। तो आपको ट्राई करना चाहिए ये हैक, जिसमें जो उन्होंने बताया है कि सबसे पहले आपको चाहिए एक प्रिंट आउट और एक परफ्यूम। तो उस प्रिंट आउट को कट करके इन्होंने परफ्यूम स्प्रे किया है और उसके बाद इन्होंने एक बोल में पानी लिया है और उस प्रिंट आउट को 2 मिनट तक उस पानी में डिप करके रखे रहते हैं। फिर आपको जहाँ पे भी टैटू चाहिए उस एरिया पे हमें लगाना है थोड़ा सा और परफ्यूम, फिर प्रिंट आउट वहीं पे पेस्ट कर देना है 1 मिनट के लिए, और 1 मिनट बाद हमारा टैटू तैयार है। वाओ गाइस, पता नहीं क्यों मुझे ये हैक बिल्कुल फेक लग रहा है, लेकिन चलो यार ट्राई कर लेते हैं कि ये हैक फेल है या पास है। तो गाइस ये रहा मेरा प्रिंट आउट और ये रहा मेरा परफ्यूम। तो सबसे पहले हमें इस परफ्यूम को स्प्रे करना है, टिचक 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 टिचक। उसके बाद हमें चाहिए पानी और हमें वेट करना है लगभग 2 मिनट तक। तो चलो तब तक 2 मिनट में मैगी बना लेते हैं। ओह सॉरी, मैगी तो 2 मिनट में बनती नहीं है। तो गाइज आप देख सकते हो इसमें का सारा इंक ऊपर आ रहा है, ये कैसा है कि भाई अभी तो 2 मिनट भी नहीं हुआ, 30 सेकंड भी नहीं हुआ, ये क्या हो रहा है? 2 मिनट बाद मान लो मुझे यहाँ पे अपना टैटू बनवाना है, जो कि बनेगा नहीं मुझे पता है, तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा स्प्रे कर लेती हूँ और यहाँ पे रख देना है। और अब मैं आपको मिलूंगी 1 मिनट बाद, जब मेरा टैटू बन जाएगा, जो कि बनेगा नहीं, लेकिन मैं आपको 1 मिनट बाद मिलूंगी, ऐसा नहीं कि बनेगा नहीं तो मैं आपको मिलूंगी नहीं। 1 मिनट बाद फाइनली मैं अपना टैटू आपको दिखाने वाली हूँ। वो ऐसा वाला नहीं है लेकिन माय गॉड, जो हमारा टैटू है वो इतना प्रीमियम क्वालिटी का है कि इसमें ही रहेगा, वो हमारे स्किन पे नहीं आता है। तो गाइस ये हैक बिल्कुल फेल है, फेल है, फेल है, फेल है, चकलेट है, चकलेट है, चकलेट है, ब्लेड 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 है। तो अगर आप ये हैक करते हो तो आपको सिर्फ एक ही बेनिफिट मिलेगा, वो ये है कि आपके हाथ पैर और जहाँ पे भी आप लगाओगे वो सुगंधित हो जाएंगे और आपका परफ्यूम भी वेस्ट होगा। तो गाइस हम नॉर्मली आइस ट्री कैसे फिल करते हैं, ऐसे सीधे, जिससे पूरा हमारा पानी स्प्लैश करता है और आइस ट्रे बिल्कुल भी फिल नहीं हो पाता है। फिल होता भी तो आधा से ज्यादा पानी नीचे गिर जाता है। तो हमारे पास यहाँ पे हैक है, हमें इस आइस ट्रे को थोड़ा सा टिल्ट करना है और धीरे से ऐसे करना है और ये ऑटोमेटिकली फिल होता जाएगा और कोई पानी नीचे वेस्ट नहीं होगा। तो मुझे ये आइस ट्रे हैक बहुत अच्छा लगा, इस पे बहुत इजीली हमारा आइस ट्रे फिल हो चुका है। ये बाबूराव का स्टाइल है। तो इस हैक में इन्होंने लिया हुआ एक पेंसिल और फिर ग्लू गन से गोल 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 करके दोनों एंड्स को पेस्ट कर दिया और फिर बना लिया एक रबर बैंड। तो चलो यार ये हैक ट्राई करते हैं, क्योंकि आप तो ये हैक देखते हो, इस सारे हैक्स आप देखते हो लेकिन कभी कोई ट्राई नहीं करता, मतलब कुछ लोग ट्राई करते होंगे, तो यार मैं आपके लिए ट्राई करूंगी। तो करना, परेशान हो गए हम लोग 2.5 साल से। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। अरे यार पहले ही याद आता है बनाने का, इसको जल्दी रहती है। मेरे पास वो कलरफुल रफल नहीं था तो मैं इससे कर रही हूँ। वो 500 क्राफ्ट्स वाले ना आपको असली मेहनत नहीं दिखाता है, मेरी इतनी मेहनत लग रही है इस ग्लू गन को दबाने में। तो हाँ ग्लू गन सस्ता है तो 500 क्राफ्ट वाले ही अगर दोस्तों, बड़े धीरज का काम है, अब धीरज आके मुझे प्रपोज मत करने लगना। यार मेरा अब सब्र का फल है ना वो सड़ चुका है, इतना धीरे धीरे ये हो रहा है, ये सूख चुका है। यार उसने ऐसे बस किया और उसका पूरा ग्लूगन निकल के वापस आ गया लेकिन मेरा नहीं निकल रहा, ग्लूगन के साथ साथ पेंसिल का पूरा छिलका निकलते आ रहा है। छी यार पूरा पेंसिल लंदा हो गया। टाटा,
तू अपना पोषण ले। टेस्ट करेंगे कि ये काम करता है या नहीं करता है। मुझे तो जहां तक लग रहा है ये टूट के बराबर हो जाएगा अभी। अच्छा नहीं हुआ। एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल। तो गाइस आपने तो देख ही लिया है कि हमारा रबर बैंड कितना अच्छा बना था, तो प्लीज आप इसे घर पे ट्राई ना करें। ओहो, इन्होंने एप्पल के अंदर ही आई शेडो छुपा के रख दिया है। अगर हम अपने स्कूल में ऐसे आई शेडो ले जाने की कोशिश करेंगे ना, तो हमारी टीचर सबसे पहले एप्पल लेंगी, उसे खा जाएंगी और फिर उस आई शेडो को उठा के फेंक देंगी। तो ये आप मत ट्राई करिएगा, मैं आपकी जगह ट्राई कर लेती हूँ। तो चलो यार इस हैक को ट्राई करते हैं, देखने से मजेदार लग रहा है एप्पल के अंदर आई शेडो। वाओ। तो सबसे पहले हमें एप्पल को कट कर लेना है, लेकिन मैं आपसे झूठ नहीं बोलूंगी ये एप्पल पहले से कटा है, क्योंकि अगर मैं इसे काटती तो पता नहीं क्या ही हो जाता। उसके बाद हमें आई शेडो लेना है और ये मैंने कभी भी लाइफ में यूज नहीं किया है, एंड इसे हमें ट्रेस करना है और इसे निकाल लेंगे। सेम चीज हमें इस साइड पे भी करना है। ये बाबूराव का स्टाइल है। तो गाइस मैंने दोनों एप्पल की किडनी में छेद कर दिया है, जैसे कि आपको पता ही है मेरे पिछले वीडियो से कि मैं कितनी बड़ी मर्डरर हूँ, मैं सबका मर्डर करती रहती हूँ, मोस्ट वांटेड क्रिमिनल। तो अब हमें इसे लेना है, आई शेडो को लगाना है और इस एप्पल में हमें लगाना है टूथपिक। तो गाइस मेरा ये एप्पल आई शेडो पैलेट तैयार है। ये हैक तो अच्छा है कि आप एप्पल में अपना आई शेडो छुपा लेते हो, लेकिन एक बात बताना मुझे कि अगर आप अपने टीचर के सामने ये आई शेडो लगा के जाते हो तो आपके टीचर को दिखेगा नहीं? मतलब ये वाहियात हैक है, इसका कोई सेंस नहीं है। पैर तो सीधा रहा। अरे यार दीदी पैर ही कट रहा है तुम्हारा। जा रही हूँ हवा में सोने, क्योंकि बुढ़ापे के सहारा हो तुम तो मेरे। Hi guys, welcome back to my channel. और मेरा कमर भी टूट चुका है। तो guys कैसी लगी वीडियो, अगर मन हो तो कमेंट कर देना और अगर मन हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, मन हो तो लाइक भी कर देना। सो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय गाइज। सॉरी बाय गाइज।